जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकवादी हमले के बाद दहल उठा है, जहां बारामूला जिले के बोटा पत्थर गुलमर्ग इलाके में सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। गुरुवार शाम हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और इसके अलावा सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी जान चली गई है। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं, वो पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने का कार्य करते हैं, सेना को मदद पहुंचाते हैं, उनकी भी जान चली गई है। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर्स की भी जान गई है। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही 7 लोगों की गोली मारकर आतंकियों ने हमला कर जान ले ली थी। वहीं एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोकतंत्र का जो विस्तार है भारत में वो सरहद के पार पसर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल काफी अटैक हो रहे हैं। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, 2 जवान शहीद, पोर्टर की मौत, ये ताजा घटना। और वहीं देखिए सुरक्षा बलों की घेराबंदी तो हुई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वो पहले त्राल में हमला हुआ जब मजदूरों को मार दिया गया, इसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। मेरा नाम आबिद हुसैन। तो क्या हुआ कल गुलमर्ग के बूटा पत्थरी में? जी सर, ये गुलमर्ग के आगे हुआ है, बूटा पत्थरी साइड में। गुलमर्ग बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई डर वर कुछ नहीं है। ये उस साइड में हुआ है, बूटा पत्थरी के उस साइड में, उधर आर्मी वगैरह के कुछ नुकसान हुआ है, बाकी गुलमर्ग बिल्कुल ठीक है, गुलमर्ग बिल्कुल सेफ है। सही है सर, हम बूटा पत्थरी में रह रहे थे, वहाँ से हमें निकाल दिया, हम गुलमर्ग में रहेंगे। इस टाइम बहुत फोर्स है उधर, रात को कोई, कल दिन को भी हुआ था 3 बजे फायरिंग, रात को 7 बजे में फायरिंग हुई थी। इस टाइम बहुत फोर्स है जंगल में, उधर वहां से निकाल दिया, हम रोक में रहते हैं, हम गुलमर्ग जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था रात के अंधेरे में, कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अशरफ फानी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। अशरफ, नई सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में, लगता है सरहद पार रास नहीं आ रहा है, लगातार आतंकी वारदात, आतंकी हमले हो रहे हैं और आम लोगों की हत्याएं हो रही है, किस तरह से इसको लेकर घाटी में हलचल है? बिल्कुल आशुतोष, अगर सरकार के शपथ की बात की जाए, 16 अक्टूबर को नई सरकार ने जम्मू कश्मीर में शपथ ली, उसके बाद ही एक के बाद एक जो है आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर में हुए हैं। अगर बात की जाए तो खासतौर से अगर कल शाम के हमले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से सीमा पार से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली जो है वो पसंद नहीं आ रही है। और यही कारण है कि पहले तो एक सोनमर्ग के इलाके में गैर राज्य और राज्य के मजदूरों पर हमला किया गया और अब सेना के काफिले पर, वहां पर भी 4 लोगों की जान गई जिनमें से 2 रोजी रोटी कमाने के लिए सेना के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहे थे। काफी गंभीरता से जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ प्रशासन, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को लिया है और पूरे इलाके की तलाशी जो है तेज कर दी गई है। न सिर्फ जमीनी तौर पर वहां पर उन आतंकियों की खोज जारी है जो इस हमले के पीछे हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, ताकि उन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है उनको मौत के घाट उतारा जा सके। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।